हाँ जी, मुझे ज्ञानी को अपना विशेष प्रेम लगता है, कहने वाला था शिव। और शंकर जो जिसको ज्योतिषों के कहते हैं, वो कहते थे काशी मुझे जोर से बोलो, सभी लोग सुने। मुझे ज्ञानी तो आत्मा विशेष प्रेम लगता है, हाँ जी, कहने वाले शिव है, मुझे ज्ञानी तो आत्मा विशेष। अब शंकर जिसको योगेश्वर कहते हैं, योगराज के, वो अपने कैटेगरी वाले दूसरे नंबर काशी है, हैं? काशी 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 हाँ। योगिनी माँ है, उसको विशेष प्रिय नगरी बोला। तब जब हम कहते हैं गीता के भगवान शिवशंकर बोलेगा, तब शिव को एक रूप को प्रिय लगता है और शंकर को दूसरे रूप प्रिय लगता है, ऐसा कहना सही है? पहली बात है, शंकर योगियों का ईश्वर है। ईश माने शासन करता है, ये बात तब साबित होती है जब शिव उसमें प्रवेश है। शिव प्रवेश है, अगर शिव प्रवेश नहीं हो तो शंकर को ईश्वर नहीं कह सकते। अगर वो ईश्वर होता तो 84 जन्म में भी कंट्रोलर होता, परंतु ऐसा नहीं है। शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। इससे साबित होता है कि वो खुद भी योग की प्रैक्टिस करता है, खुद प्रैक्टिस करने वाला योगियों का ईश्वर कैसे होगा? ये तो भक्ति मार्ग में समझते हैं कि शिव शंकर एक हैं, अर्थात दोनों की एक ही आत्मा है। परंतु ये तो संपूर्णता की यादगार है। जब शंकर शिव समान बन जाता है वो तो मनुष्य सृष्टि का बीज है, बीज से सारी सृष्टि की पैदाइश होती है। बीज बाप को कहा जाता है, बाप रचयिता होता है, बाकी सब रचना है। जो रचना है उस रचना से रचना और रचना को वर्षा नहीं मिलता है, एक रचयिता बाप से ही सबको वर्षा मिलता है। और नई सृष्टि की रचना का कारण ज्ञान बनता है। ज्ञान दाता एक ही शिव है, शंकर नहीं है,
याद की ऊंची स्टेज में रहने के कारण वो शंकर वाली आत्मा मनन चिंतन मंथन में आगे चली जाती है। विचार सागर मंथन करने से नए नए पॉइंट्स निकलते हैं। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा कही जाती है। मनुष्य सृष्टि की अव्वल नंबर ज्ञानी तू आत्मा है, जो नर से नारायण बनती है। और वो किसको प्रिय है? नारायण शिव को प्रिय। वो नारायण वाली आत्मा शिव भगवान को प्रिय है, क्योंकि ज्ञान जल में ही सदा रमण करती है। बाकी आत्माएं सदैव ज्ञान जल में रमण नहीं करती है। वो योगी तू आत्मा हो सकती है, बाकी किसी को ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। क्योंकि एक ही बीज है जिसमें सारे वृक्ष का ज्ञान भरा हुआ है। एक बीज में जड़ों का भी ज्ञान है, तने का भी ज्ञान है, टहनियों का भी ज्ञान है, फलों का भी ज्ञान है, फूलों का भी ज्ञान है। इसलिए गीता में कहा गया है, ना हम तेषु ते मये, मैं उन पत्तों पत्तों में नहीं हूं, टहनियों में नहीं हूं, परंतु वो पत्ते और टहनियां मुझ बीज रूप में समाई हुई है। कैसे समाई हुई है? याद के द्वारा समाई हुई है। याद भी कोई अधूरी नहीं चाहिए। अधूरी याद करने वाले भी दुनिया में बहुत हैं। और संपन्नता की याद करने वाले भी हैं, जिनकी निरंतर याद है, सहज याद है, उनकी संपन्न याद होती है। वो है साकार में निराकार को याद करने वाले, जो सिर्फ साकार को याद करते हैं या सिर्फ निराकार को याद करते हैं वो अधूरे योगी हैं। वो अधूरे योगी प्यारे नहीं कहे जावेंगे। संपन्न योगी वो है जो साकार को पहचान करके निराकार को भी पहचान लेते हैं। तो योगी तू आत्मा मुझे प्रिय है, ये कहने वाला साकार और निराकार दोनों होना चाहिए या एक अकेला ही होना चाहिए? शिव ज्योति बिंदु 5000 वर्ष निराकारी दुनिया में रहता है,
वहां वो अकेला है। और जिस रथ में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो 5000 वर्ष से साकारी दुनिया में ही रहता है। तो जो इस साकारी दुनिया का निरंतर वासी है उसको वो ही आत्मा प्यारी लगेगी जो साकार में निराकार को निरंतर याद करने वाली है। और ऐसी आत्माएं नंबरवार होंगी या एक दो ही होंगी? नंबरवार होंगी। जो अव्वल नंबर याद करने वाली आत्मा है साकार में निराकार को, उसको काशी नगरी नाम दिया है। अनुसूया नाम दिया है जिसका दुनिया से कोई भी मनुष्य मात्र से ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है। असूया माने ईर्ष्या द्वेष। तो मुरली में जो आता है कि ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, तो विशेष प्रिय और साधारण प्रिय, किसकी संख्या विरल होगी? विरल माने विरला, विरला व्यापारी। वो विरला व्यापारी भक्ति मार्ग में भी एक ही है जिसके नाम पर भारतवर्ष में विरला मंदिर बनाए गए हैं। और इंद्रियों में मुख्य इंद्रिय कौन सी है? इंद्रियों में मुख्य इंद्रिय है काम इंद्रिय। और जगत में जितने भी हैं प्राणी मात्र वो सब कौन से विकार से हार जाते हैं? सब काम विकार से हार जाते हैं। एक का ही गायन है जिसने काम के ऊपर विजय पाई, काम को भस्मीभूत कर दिया। वो ही जगत जीत कहा जाता है। इसलिए काम जीते जगत जीत कहो या इंद्रिय जीते जगत जीत कहो, बात एक ही हो जाती है। निराकार क्या बोला? निराकार शोषण का भोलेनाथ का अध्याय है। निराकार शोषण का भोलेनाथ का अध्याय निराकार शिव शंकर भोलेनाथ। शंकर साकारी है, निराकारी है या आकारी है? क्या है?
केवल साकारी है, निराकारी है या आकारी है? क्या है? शिव सदैव निराकारी है, और इस दुनिया के मनुष्य मात्र सब साकारी हैं। शिव की जो पहली पहली रचना है ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो नंबरवार आकारी है। नंबरवार क्यों कहा? नंबरवार इसलिए कहा कि इन त्रिदेवों में से कोई नीची स्टेज वाला है, कोई मध्यम स्टेज वाला है और कोई ऊंची स्टेज वाला है। किस बात में ऊंची और नीची स्टेज? मनन चिंतन मंथन रूपी आकारी स्टेज में ये तीनों देवताएं नंबरवार ऊंची स्टेज वाले हैं। इसलिए ब्रह्मा को नीचीपुरी में दिखाया है, उससे ऊपर विष्णु को दिखाया है और आकारी पुरियों में शंकर को सबसे ऊंची स्टेज में दिखाया है। परंतु ये सूक्ष्म वतनवासी देवताओं की रचना, जब बाप आते हैं तब ही करते हैं, और पूरे 100 साल संगम के लिए नहीं करते हैं। कुछ ही वर्षों के लिए करते हैं। ये तो जानते हैं कि साकारी से ऊंची स्टेज आकारी स्टेज है और आकारी से ऊंची स्टेज निराकारी है। तो जो साकारी स्टेज में रहने वाले हैं, साकारी स्टेज के अभ्यासी ज्यादा हैं, वो निराकारी पहले बनेंगे, या जो ज्यादा आकारी स्टेज के अभ्यासी हैं वो निराकारी पहले बनेंगे? तो आकारी स्टेज में ज्यादा रहने वाला कौन है? जो है वो ही पहले निराकारी बनता है। इसलिए शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया जाता है। क्योंकि जो पहले नंबर में ओटे सो अर्जुन कहा जाता है। तो संपन्न स्टेज की यादगार है शिव शंकर भोलेनाथ। पुरुषार्थी स्टेज की यादगार नहीं है। और जो निराकार, जो सिर्फ निराकार या जो सिर्फ साकार को याद करते हैं उनको अधूरी योगी, अधूरी योगी कहते हैं। तो खंड में कौन है? किसी बड़े को भी याद किया तो सभी पाप कट जाएंगे। हैं? बड़े
बड़े को भी याद किया तो तभी पाप कट जाएंगे। बड़े रूप को वो भी बड़े को भी याद किया, बड़े रूप को भी याद करेंगे तो भी पाप कट जाएंगे। बच्चों की ये कंप्लेंट रहती है कि हमें इतना छोटा बिंदु याद नहीं आता है, तो बाबा कहते हैं तुम्हें छोटा याद नहीं आता है तो तुम बड़े को ही याद करते रहो। जैसे मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है, बड़ा रूप है जिसको शिवशंकर भोलेनाथ कहा जाता है, उस लिंग में बड़े रूप में जो स्टार रखा हुआ रहता है, सोमनाथ मंदिर में हीरा रखा हुआ था, लिंग रूपी बड़े रूप में, तो अगर हीरा छोटा रूप याद नहीं आता है तो लिंग को ही याद करो। जिसको याद करेंगे उसी के नजदीक पहुंचेंगे या कोई दूसरे के नजदीक पहुंच जावेंगे। तो ये पक्का है तो जो लिंग रूप बड़ा रूप है उसकी याद में रहने वाले अगर लिंग बड़े रूप को ही याद करेंगे, उस बड़े रूप में ज्योतिबिंदु छोटा रूप समाया हुआ है या नहीं है, तो उस बड़े रूप को याद करने वाले कहां पहुंच जावेंगे? हैं? उसके पास पहुंच जाएंगे, उसी के पास लास्ट में पहुंच जावेंगे। और लास्ट में उस बड़े रूप की भी ऐसी स्टेज हो जाएगी परमानेंट कि वो निराकारी बन जावेगा। तो उस बड़े रूप को याद करने वाले किसके पास पहुंच जावेंगे? निराकारी के पास ही पहुंच जावेंगे। तो अंतर नहीं है ना बाबा, है साकार में निराकार को याद करने में या फिर साकार को याद, अंतर है। निराकार सूक्ष्म है और साकार स्थूल है। सूक्ष्म को याद करने वालों की बुद्धि कैसी बनेगी? सूक्ष्म बुद्धि बनेगी। और साकार स्थूल को याद करने वालों की बुद्धि कैसी बनेगी? स्थूल बुद्धि बनेगी। तो कौन सी बुद्धि तीव्रगामी होगी, तेजी से दौड़ने वाली होगी? साकारी बुद्धि तेजी से दौड़ने वाली होगी या सूक्ष्म बुद्धि तेजी से दौड़ने वाली होगी? सूक्ष्म बुद्धि, निराकार को याद करने वाली बुद्धि तीव्रगामी होती है। इसलिए गीता में लिखा है क्षिप्रम भवति मुक्तात्मा। जल्दी ही मुक्त हो जावेंगे, परंतु वो साकार को याद नहीं करते हैं। निराकार को याद करते हैं। निराकार निर्गुण है या सगुण है? तो निराकार को याद करने वाले निर्गुण ही बनते हैं।
तो मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और साकार को याद करने वाले सगुणी गुणवान बन जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं। तो उनके लिए सहज हो जाता है, इसलिए बोला सबसे सहज याद है नारायण का, कि सबसे जास्ती सहज याद है नारायण को याद करना, क्योंकि नारायण संपन्न स्टेज का नाम है, नारायण पुरुषार्थी स्टेज का नाम नहीं है। परंतु पहचानने की बात है, 100% निश्चय बुद्धि बनने की बात है कि यही नारायण का पार्टधारी है। अगर इस रूप में याद किया तो नारायण समान ही बन जावेंगे। और साकार में निराकार को याद करना श्रेष्ठ है, न साकार को याद करना श्रेष्ठ है न निराकार को याद करना श्रेष्ठ है, न आकारी को याद करना श्रेष्ठ है। हमारा ज्ञान मार्ग है ही प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान। निराकार के बगैर साकार प्रत्यक्ष नहीं होता, और साकार के बगैर निराकार कुछ नहीं कर सकता। दोनों का मेल चाहिए तो याद में भी, दोनों के मेल चाहिए निवृत्त मार्ग की याद नहीं करनी है, प्रवृत्ति मार्ग की याद है। समझता है गति क्या होगा, मतलब वो तो जास्ती समय उत्पन्न में है, जो निराकार आते ही नहीं, इसलिए प्रवृत्ति में नहीं आते हैं। उनके धर्म निवृत्ति मार्ग के धर्म हैं। और तिरुपति बालाजी मंदिर में याद कर रहे हैं, हथेली नीचे है, हथेली नीचे है, याद कर बालाजी मंदिर, जो बालाजी मंदिर है नीचे मुद्रा है, देने की मुद्रा है, दाता है, लेता नहीं है किसी से। और है अष्टदेव और नवग्रह बात है, थोड़ा स्पष्टता चाहिए बाबा। तो अष्टदेव माना जो दस धर्म में अर्थराष्ट्रिक और नास्तिक को छोड़कर जो आठ धर्म आत्मा परमात्मा सज्जन को मानने वाला जो है, उन धर्मों की पूर्वज है अष्टदेव। माना धर्मों में 100% सच्चाई जो होता है वो अष्टदेव के रूप में चुनी जाती है। तो इस क्रम में अष्टदेव भी नवग्रह के रूप में पूजी जाती है। नहीं, अष्टदेव शिव की अष्ट मूर्तियां हैं, जो श्रेष्ठ देवताओं अर्थात पूर्वजों के रूप में पूजी जाती है। नवग्रहों में वो ग्रह हैं जिनमें एक ग्रह कोई प्राप्ति करने वाला नहीं है, नाम मात्र की प्राप्ति है, आर्य समाज से कनेक्टेड है। जो बाद में संसार में प्रत्यक्ष होता है, पहले प्रत्यक्ष नहीं होता।
जो न पूरी प्राप्ति खुद करता है न अपने फॉलोअर्स को कराता है। नाम मात्र की प्राप्ति होती है कहने के लिए। राजा बनते हैं, राज करते हैं, परंतु वो राजाई का ताज भी कांटों का ताज मिलता है। हाँ जी, क्वालिटी नहीं बनती है, इसलिए वो वैल्यूलेस रतन कहा जाता है, पुखराज। परंतु अर्धनास्तिक तो है, पूरा नास्तिक तो नहीं है। साकार भगवान को नहीं मानता तो क्या हुआ, निराकार को तो भगवान को तो मानता है। तो जो भगवान को मानने वाला है परंतु भगवान के संपूर्ण स्वरूप को मानने वाला जानने वाला नहीं है, उसको भी कुछ न कुछ प्राप्ति हो जाती है। परंतु उस प्राप्ति की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि भगवान ने जो असली प्राप्ति कराई है उस प्राप्ति को वो वैल्यू नहीं देते हैं। वैल्यू न देने के कारण वो न राजा बनते हैं और न राजाई को पसंद करते हैं, इसलिए उनका राज्य आते आते राजाई चौपट हो जाती है। ये राजाई भगवान की देन है, वो राजाई को नष्ट करने वाले हैं, वो प्रजा को महत्व देते हैं, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलाते हैं। राजाओं को और राजाई को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें भगवान की पूरी प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर भी कुछ न कुछ राज्य तो करते हैं। आज प्रेसिडेंट बनेंगे, भले 5 साल प्रेसिडेंटी चली या न चली, बीच में ही उतार दिए गए तो भी कुछ राज्य तो किया ना। प्रधानमंत्री बने, मिनिस्टर बने, पूरे 5 साल के लिए चुने गए, लेकिन बीच में ही उतार दिए गए। फिर भी राज्य तो किया ना, तो उस राज्य का आधार क्या है? उन्होंने भी कुछ न कुछ पवित्रता की पालना की है, कुछ न कुछ ज्ञान लिया है। इसलिए नवग्रहों में उनकी पूजा की जाती है और
कौन कौन हो रहा है, ये अष्टदेव अब मना को छोड़कर आर्य समाज को छोड़कर वो अष्ट, ये दोनों अलग हैं। है अष्टदेव कब नवग्रह होंगे वो उपन्यास को छोड़कर जो आठ बचते हैं वो दोनों अलग अलग हैं। आठ अलग हैं और नौवा वैल्यूलेस है, उसकी वैल्यू नहीं है, फिर भी उसको रखने से आठ की वैल्यू का पता चलता है। अगर उस वैल्यूलेस को न रखा जाएगा तो आठ की नंबर वार वैल्यू का पता नहीं चलेगा। और नवग्रह है या नहीं, अलग अलग रतन अलग है, नवग्रह नवरतन है नहीं, नहीं वो तो सब हीरा है। रतन तो कम वैल्यू के और ज्यादा वैल्यू के भी होते हैं। वो तो सही बात, अभी तो ये बात है अष्टदेव नवग्रह में उसको जो अष्टदेव है देवता सिर्फ 16 कला संपूर्ण को ही कहा जाता है, कम कलाओं को देवता नहीं कहा जाता। जो ग्रह हैं वो संस्कार मिल जाते हैं बीज रूप आत्माओं के साथ, जो आठ बीज रूप हैं और उनके आठ आधार मूर्त हैं, उन दोनों के संस्कार जब मिलकर के एक होते हैं तब रतन कहे जाते हैं। उनकी गिनती नवग्रहों में होती है। और जैसे स्थापन की जो बीज है उसको शुक्राचार्य कहा, वो रतन है, वो रतन है। और आज मुझे में आया ऐसे नहीं एक ही आत्मा को मंथन करना है नंबर वार में, ऐसा नहीं एक ही आत्मा को मंथन करना है। चार सारे मंथन बात आई है बाबा आपकी मुरली में, एक ही का मतलब क्या, एक आत्मा तो परमपिता परमात्मा भी हो सकती है, और उसके अलावा जो भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं उनमें से भी कोई एक हो सकती है, तो किसका बंधन करना है। पूरा मंथन चिंतन मंथन करते हैं बाबा, उनको एक ही है, एक ही 100% विचार सागर चिंतन मंथन करता है और बात वो तो स्वचिंतन करता है। परमपिता स्व है या पर है, स्व है और अपनी आत्मा तो स्व है ही, तो अपनी आत्मा का मंथन करना और परमपिता का मंथन करना इससे कल्याण ही कल्याण है। बाकी किसी भी आत्मा का मंथन करना चिंतन करना पर चिंतन में आ जाता है। चिंतन पतन की जड़ है, पर चिंतन से नीचे ही गिरेंगे। और सूर्य वंश में 12 नंबर विशेष है सूर्य वंश में,
लेकिन है ये 12 नंबर की 12 ज्योतिष में पूरी कहती है ना, 12 ज्योतिष 12 राशि है ना बाबा? नहीं, बारह जो ज्योतिर्लिंग है वो किसके लिंग है? लिंग के छोड़कर है तो सूर्य वंशी का जो 12 नंबर जो भी 12 हैं वो 12 शिवलिंग कहे जाते हैं या कोई और नाम दिया जाता है? है अलग अलग नाम, अलग अलग नाम होते हुए भी जो लिंग रूप में स्थापित है उनको शिवलिंग कहा जाता है कि और कुछ कहा जाता है? ज्योतिर्लिंग है। हाँ, ज्योतिर्लिंग तो है, ज्योति माने ज्ञान की ज्योति, तो जो ज्ञान की ज्योति होगी वो संपन्न पूजी जाएगी या नंबरवार को पूजा जाएगा? नंबरवार को पूजा जाएगा। वो 12 लिंग भी नंबरवार की पूजा होती है? हाँ, नंबरवार की पूजा होती है, 12 लिंग हैं, लेकिन उनमें काम करने वाली आत्मा कौन है? काम करने वाली आत्मा को शिव तो एक में ही काम करती है और बाकी जो 11 में जो पहला नंबर है महारुद्र है ना, तो जो 11 में महारुद्र प्रवेश करता है वो तो शंकर वाली आत्मा है जो शिव समान बन जाती है, तब 11 रुद्रों का पूजन होता है, रुद्रावतार भी कहा जाता है। उन रुद्रावतारों में अलग अलग अवतार गाए हुए हैं, रुद्र के अवतार हैं। रुद्र किसका नाम है? निराकार शिव का नाम है या साकारी रूप धारण करने वाले का नाम है? धारण करने वाला साकारी होता है ना। हाँ जी, तो शिव तो एक ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, फिर वो एक मुकर्रर रूप रथधारी जब संपन्न बनता है तो 11 रुद्रों में प्रवेश करता है और उनको नंबरवार प्रत्यक्ष करता है। वो 11 मनुष्य सृष्टि के बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और उन 11 को मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो प्रत्यक्ष करता है, तो कहा जाता है फादर सोज सन्स, सन सोज फादर। तो 12 नंबर में पापा, तो 8 अष्टदेव है और बाकी 4 नष्टदेव है। हाँ जी, नष्टदेव में तो त्रेता के अंत में जो किंग सीढ़िया फंसते हुए वो किंग सीढ़िया भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो गिरी हुई जो स्वर्ग है उसको तो अधिकार देते हैं बाहर। हाँ जी, लेकिन एक बचा हुआ ना बाबा 12 नंबर 12 नंबर उसका है? कोई 12 नंबर बचा हुआ ना, 12 नंबर बचा हुआ माना तो अष्टदेव के बाद भरत 9वां नंबर और लक्ष्मण 10वां नंबर और शत्रुघ्न 11 नंबर, तो 12 नंबर बचा हुआ ना उसका कोई वैल्यू है नहीं, उसका पार्ट क्या है? वो तो पहले ही बता दिया, वो वैल्यू ही नहीं है उसकी। हाँ जी, जो कितना कहते हैं जो ज्यादा पूर्ण करेगा उसको भगवान जन्म ले लेते हैं, जो ज्यादा पूर्ण करेगा ज्यादा पुण्य करेगा तो भगवान जन्म ले लेते हैं।
देहद में बड़े से बड़ा पुण्य क्या है? ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े से बड़ा पुण्य क्या है? बड़े से बड़ा दान क्या है? ज्ञान दान। जो सबसे जास्ती ज्ञान दान करेगा वो बड़े से बड़ा पुण्यात्मा है। ज्ञान दान करने से ज्यादा पुण्य कोई और होता ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में गायन पड़ता है, जो ज्यादा पुण्य करेगा वो पहले स्वर्ग में जाएगा, है यहाँ की बात। और ज्ञान शून्य और ज्ञान सागर अलग अलग, और गीता में कहा है कि मैं पहले ज्ञान सूर्य को देता हूँ, तो मैं सूर्य और सागर कौन है? बाप अपना सारा टाइटल किसे देते हैं? है? बच्चों को देते हैं। जो जो सूर्य टाइटल है वो शिव बाप के बड़े बच्चे को मिलता है। टाइटल मिलना का मतलब ये नहीं है कि वो खुद है। बाप का टाइटल है वो, बाप का टाइटल बच्चे को मिलता है, बड़े बच्चे को। तो इसका मतलब है कि वो टाइटल धारी है। जैसे ब्रह्मा बाबा प्रजापिता ब्रह्मा कहलाए गए, तो क्या प्रजापिता थे? प्रजापिता होना अलग बात है और टाइटल धारण करना अलग बात है। और नेक्स्ट टू शिव इज नारायण, नेक्स्ट टू शिव इज कृष्ण। नेक्स्ट टू नारायण नहीं, नेक्स्ट टू शिव, नेक्स्ट टू शिव इज नारायण, हाँ। नेक्स्ट टू शिव इज कृष्ण, हाँ। नेक्स्ट टू शिव शंकर, और नेक्स्ट टू शिव प्रजापिता, हाँ। लेकिन बाबा इन चारों में तो पर्सनैलिटी तो एक ही है, हाँ। लेकिन उन चारों में शंकर और नारायण और कृष्ण है, जो ये तीन मूर्तियां हैं वो पवित्र है, मतलब उनको पूजा होती है, लेकिन जो प्रजापिता वाली आत्मा है वो पतित पाठ की नाम है ना बाबा, वो प्रजापिता नाम शास्त्रों में भी प्रजापति का नाम गायन है, तो प्रजापिता के भी नाम नहीं है, अब इन तीनों से उसको जोड़ने में क्या? पहले पिता बनता है या पहले पति बनता है? यज्ञ के आदि में था प्रजापिता, ज्ञान बीज डालने वाला, और अंत में वर्षा देने वाला, अंत में वर्षा देने वाला बनता है। लेकिन सारी सृष्टि का पति कहा जाता है, पति माने रक्षक। इसलिए अंतर पड़ जाता है। वर्षा तो पति से नहीं मिलता है बाबा, पिता से मिलता है। जिनको वर्षा मिला हुआ है वो कितने हैं? वर्षा तो वो राजाई का वर्षा है। जिनको राजाई का वर्षा मिलता है उनके नीचे प्रजा भी है, और यथा राजा तथा प्रजा कही जाती है। तो 4.5 लाख सब क्या हो गए? राजा हो गए, राजा क्वालिटी के ही हो गए। जो राजा क्वालिटी के हैं वो सब ऊंचे हैं, कोई नीचे नहीं है। और लेकिन बात यही बाबा, वो 4.5 लाख आत्मा जो है ज्ञानी को अंत में जिनका शरीर सुरक्षित होता है, प्राप्त
वो अंत वाली आत्मा माने 4.5 लाख वाली आत्मा उस बर्फ से बाहर निकलने के लिए 150 वर्ष लगता है, 150 वर्ष लगता, 150 वर्ष, हाँ 150 वर्ष लगता है बाबा। हाँ तो वो 150 वर्ष वो बंध में रहना ही है वो आत्मा। हाँ मतलब बाबा ने कहा है तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म पक्के पूरे 84 जन्म लेने वाला 16 जन्म लेने वाला। हाँ। लेकिन उसको तो जीवन मुक्ति का समय 150 वर्ष मना लाश हो गया, लाश हो गया ना बाबा, वर्ष लाश हो गया। जन्म तो मिला पहला जन्म सतयुग में, जन्म तो 84 कहे जाएंगे, पूरा 84 जन्म कहे जाएंगे। जन्म कोई आधा थोड़ा ही होता है कि आधा मर जाए और आधा जिंदा। मतलब ये बाबा तो 150 वर्ष तो सुख नहीं, जीवन मुक्ति है ही नहीं। वो 150 वर्ष कहो या कोई के 50 वर्ष कहो या कोई का 1 वर्ष कहो, पूरे 84 जन्म तो किसी के नहीं है, नंबर वार है सब 84 जन्म, पूरा 84 जन्म तो एक का ही है, बाकी का नंबर वार। इसलिए 150 वर्ष वाले कोई क्यों पकड़े। माना वो तो शरीर सहित बाप को पहचान है, लेकिन ब्रह्मा वाली जो आत्मा है वो 69 में शरीर छोड़ दिया और उनको निजी शरीर 2036 में मिलती गई, तो उनका माना परंधाम में रहने की 71 वर्ष हो गया, लेकिन उसको 150 वर्ष हो गया। अरे जो शरीर से सहित बाप को पहचानने वाला वो कम हो गया जीवन मुक्ति स्टेट, और जो शरीर से नहीं पकड़ा जो पहचानना ही बड़ी बात नहीं है, सिर्फ पहचान लिया यही बड़ी बात है, या पहचानने के बाद बाप का काम संपन्न भी करना है, है? संपन्न भी करना है बाबा। हाँ जी, तो उसमें अंतर पड़ जाता है। और लेकिन बाबा ये बोलते हैं ना बच्चे को गुण आई नहीं और नहीं, लेकिन ये विशेषता मैं देखता हूँ तो बाप को साकार ससुर से पहचान, ये बोलते इसे 4.5 लाख बच्चे बाप को पहचानते हैं। बाप कहते हैं दुनिया वालों में वो विशेषता नहीं है जो तुम बच्चों में विशेषता है, वो विशेषता बाप तुम बच्चों में देखते हैं। वो क्या विशेषता है? बाप की पहचान। लेकिन पहचान लेने मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा है? नहीं। हाँ जी, इसलिए अंतर पड़ता है। और 5-6 वर्ष पहले दुख का नाम निशान नहीं था, है? आज से 5-6 वर्ष पहले तत्वप्रधानता और दुख का नाम निशान नहीं था, तत्वप्रधानता का नाम निशान नहीं था, तत्वप्रधानता और दुख का नाम निशान नहीं था, दुख का नाम निशान नहीं था। हाँ आज से 5-6 वर्ष पहले बोला, हाँ दुख का नाम निशान नहीं था, शास्त्र का मूल्य है। हाँ तो 10 वर्ष कम हो गए ना, वो बात नहीं आया मुझे, मैं ऐसा बोल रहा है 66 का वाणी है ना बाबा, आज से 10 वर्ष कम बोलना है ना। हाँ। लेकिन 10 वर्ष की बात नहीं आई कैसा हो सकता है, 1976 में है ना, तो आज से 10 वर्ष कम 5000 से लक्ष्मी आने का वो एग्रीगेट बताया जाता है। यहाँ जब बोला गया उस समय कम या ज्यादा की बात नहीं बोली गई, अबाउट बताया गया। और जो श्रीमत पर नहीं चलता है उसको खूब क्या कहते हैं, माया को डैश मिलती है उसको खूब पत्थर पत्थर है ना बाबा, है? तो ये बात में तो बात की सरेंडर होने की तो कम में जो पहला तो माया सरेंडर हुआ, इसलिए तो माया की सर्वशक्ति बन गया, पहले सरेंडर होने वाला माया है। माया और यमुना एक ही है और अलग अलग, यमुना एक नहीं है, माया तो पहला है, यमुना दूसरा, तीसरा गंगा और चौथा जगदम्बा। माया एक से नहीं बनती है, राम एक है कि माया रावण एक है, राम एक है, राम एक है,
माया रावण एक आत्मा नहीं है, ये अनेकों का संगठन है, इसलिए अंतर है। तो वो पद का मतलब है तो माया तो कोई चीज है नहीं, देश जन्मों में हमें जो विकर्म की है वो ही हमारे पुरुषार्थ के रूप में विघ्न के रूप में पुरुषार्थ में विघ्न के रूप में आती है ना, वही है माया। जो विकर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उन पाप कर्मों को कराने के लिए कोई निमित्त बना है या नहीं बना है, वो ही माया का रूप है। माया के अनेक रूप हैं, कभी माया स्त्री बन के आती है, कभी पुरुष बन के आती है, कभी हमारी ही कमजोरी कोई पदार्थ के रूप में आ जाती है, तो माया के अनेक रूप हो जाते हैं। राम के अनेक रूप नहीं है। और लेकिन वहाँ तो डायरेक्शन मिलने की बात आती है, तो हमारा तो ध्यान तो प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल कैसे डायरेक्शन देते हैं बाप उसको, उसके मतलब नहीं चलने वाला तो पता माना बाप जो है वो प्रैक्टिकल में श्रीमत देने के लिए नहीं आते हैं। और माया को भी ऐसा प्रैक्टिकल डायरेक्शन देते हैं, माया को डायरेक्शन देते हैं, लेकिन माया का कोई एक रूप नहीं है, माया के बहुरूप हैं जो हमको नीचे गिराते हैं। और इसमें डायरेक्शन देने का मतलब क्या है, क्या डायरेक्ट माया को डायरेक्शन बाप माया को डायरेक्शन देती है, माया के अनेक रूप हैं, सबको डायरेक्शन देते हैं कि जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलते उनको खूब पतकाओ, और श्रीमत पर वो ही चलेंगे जो आत्मिक स्थिति में रहेंगे। आत्मिक स्थिति में नहीं रहते, देवान में आते हैं तो जरूर रावण से प्रभावित होते हैं, और प्रभावित कौन होते हैं, कमजोरी कब से शुरू हुई, कब आई, कहां से आई, पूर्व जन्म से आई, तो जब से ये कमजोरी आना शुरू हुई और उस कमजोरी को लाने के लिए कोई निमित्त बना वो माया का रूप था, वो ही आकर के हमसे अभी हिसाब किताब लेता है। ए कहां जा रहे हो, पहले हमारा हिसाब किताब तो पूरा करो, हमारे अंडर में भी तो रहे हो। लेकिन बाबा ये तो बनाई किसने, नहीं हमने बनाई, कब बनाई, त्रेसठ जन्म में बनाई है, त्रेसठ जन्म में नहीं बनाई, अभी संगम में बना रहे हैं, हाँ जी अभी शूटिंग कर रहे हैं, वो भी शूटिंग में थी, वो देश के अनुसार ही चल रहा है। कारण कहाँ तैयार होता है, यहाँ तैयार होता है। और चार भुजा वाला ब्रह्मा हजार भुजा वाले ब्रह्मा के पास तैयार, तो क्या हुआ, तो उसका अर्थ क्या है, अरे बिना सहयोगी के कोई काम कर पाता है, अरे भगवान भी आता है तो अकेले ही सारा काम कर लेता है या सहयोगी बनाने पड़ते हैं, तो ऐसे भी जो भी ब्रह्मा है, ब्रह्मा अनेकों के नाम है, तो जो भी ब्रह्मा है उनको सहयोगी बनाने पड़े या नहीं बनाने पड़े, तो चार ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के चार मुख दिखाए जाते हैं,
तो चारों के सहयोगी होंगे कि नहीं होंगे? दिशाएं कितनी हैं? मुख्य दिशाएं चार हैं, तो चारों दिशाओं में कंट्रोल करने वाले बटे हुए होंगे कि नहीं बटे हुए होंगे? डिवाइडेड डिवाइड तो चार ब्रह्मा हैं, कोई का मुख आगे, कोई का मुख पीछे, कोई का मुख दाईं ओर, कोई का मुख बाईं ओर, उनके फॉलोअर्स भी ऐसे ही होंगे। वो चारों ही ब्रह्मा जिनके चार मुख दिखाए जाते हैं, वो एक ही कैटेगरी के हैं या अलग अलग कैटेगरी के हैं? तो उनके फॉलोअर्स भी अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो सहयोग लेने के लिए कहां जाएंगे? अपने फॉलोअर्स के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? चार ब्रह्मा हैं, चारों ही ब्रह्मा के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होंगे या नहीं होंगे? जब चार के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होंगे तो अपने सहयोगियों को भी मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे? तो जाना पड़े ना।